फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बातचीत करेंगे इक्विटी मार्केट की, स्टॉक मार्केट की और निफ्टी की, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की। आज था फ्राइडे, वीकली क्लोज हो चुका है, आगे अब बनेगी रणनीति मंडे के लिए। मंडे की रणनीति के ऊपर डिस्कस करने से पहले, हम आज क्या स्ट्रैटेजी बनाए थे, क्या लेवल्स लिए थे, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस लिए थे, कौन से स्टॉक्स में बाय सेल करने में की रणनीति बनाए थे, उसका ओवरव्यू कर लें, फिर आगे की बातचीत करते हैं। निफ्टी का सपोर्ट लेवल बताया था 12,070 का और रेजिस्टेंस लेवल बताया था 12,238 का, और 12,070 ही हमारा मैजिकल फिगर था। मैजिकल फिगर्स को आप लोगों को थोड़ा डिफाइन कर दूं। मैजिकल फिगर ऐसा फिगर होता है जिसके ऊपर चलने पर बाजार तेज होता है और जिसके नीचे चलने पर बाजार मंदा होता है। ये होते हैं हमारे मैजिकल फिगर की डेफिनेशन। आज का लो पड़ा है 12,068 और 12,070 का मैजिकल फिगर था, यानी मैजिकल फिगर को प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया है बाजार ने। अब बात करते हैं कल के लिए, क्या मंडे के लिए क्या फिगर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। मैजिकल फिगर में आप लोगों को यूजुअली मंडे को जो ऑप्शंस की रणनीति की वीडियो में अपलोड करता हूँ, जहाँ पर हम 1200 रुपये बनाने की कोशिश करते हैं 40,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, वहाँ पर मैं आप लोगों को परफेक्ट मैजिकल फिगर अपडेट करता हूँ। मैं आज आप लोगों को टेंटेटिव मैजिकल फिगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की अपडेट करूँगा। सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 11,980, सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम रहते हैं 11,980। दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 11,930, रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 12,121 और 12,260, और टेंटेटिव मैजिकल फिगर निकल के आ रहा है 12,090 का। बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सपोर्ट बताया था 31,100 और यही हमारा मैजिकल फिगर था, और रेजिस्टेंस बताया था 31,470। आज इसका हाई है 31,363, जो कि हमारे रेजिस्टेंस से लगभग 100 पॉइंट के आसपास नीचे है, और लो है आज का 31,110, यानी मैजिकल फिगर बताया था 31,100 का और लो है 31,110। जिस किसी ने भी मैजिकल फिगर के आसपास आज निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो बाय किया होगा, तो उसको आज मुनाफा मिला होगा। जो मंडे के लिए सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 30,740, 30,608, रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 31,420, 31,620, और इसका टेंटेटिव मैजिकल फिगर निकल के आ रहा है 31,000 का। मैं रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी का मैजिकल फिगर, टेंटेटिव मैजिकल फिगर 12,090 और बैंक निफ्टी का टेंटेटिव मैजिकल फिगर 31,000। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की। आज आप हमारे पास क्या होल्डिंग है और आज की क्या रणनीति बनाई थी। हमारे पास सिर्फ एक ICICI बैंक की होल्डिंग पड़ी हुई है, बाकी कोई स्टॉक नहीं है। आज के लिए मारुति सजेस्ट किया था 7,060 तक बेचने के लिए, 30 से 60 की रेंज में। 7,101 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 6,925 का एक ही टारगेट दिया था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 7,050। ये होते हैं लेवल्स के कमाल। निफ्टी में देख लिया आप लोगों ने कमाल, बैंक निफ्टी में देख लिया आप लोगों ने कमाल, अब देखिए मारुति का आज हाई पोस्ट हुआ है 7,050 का, लो पोस्ट हुआ है 6,935 का और क्लोज हुआ है 6,971 पे। 6,925 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 935 का लो पोस्ट किया है, और मैंने इसकी अपनी परफॉर्मेंस शीट में एंट्री 6,971 की क्लोजिंग ले ली है, क्योंकि ये होते हैं मेरे इक्विटीज़ के कॉल और निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज़ होते हैं मेरे करंट नियर टर्म एक्सपायरी फ्यूचर्स के। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा स्टॉक था। दूसरा हमने लिया था सिप्ला। सिप्ला को सेल करना था 445 तक, 44960 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 435 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 445 में सेल करने का था, 445.90 का हाई पोस्ट हुआ है, 437.30 का लो पोस्ट किया है और 443.20 पे क्लोज हुआ है। 435 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 437.30 का लो पोस्ट किया, यानी हाई और लो दोनों ऑलमोस्ट हमारा है, तो ये वापस से हो गए लेवल्स के कमाल। तीसरा हम कॉल लेके रखे थे इन्फोसिस। इन्फोसिस को 777 के आसपास सेल करना था, 782 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 764 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे।
आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 778.85, लो पोस्ट हुआ है 771 का और क्लोज हुआ है 777.3 पे। तो जिस किसी ने भी 777 पे बेचा होगा माल, उसको क्लोजिंग तक में भी नुकसान नहीं था, 30 पैसे का हार्डली नुकसान हुआ है। तो ये हुए आज के स्टॉक्स जो हमने आज के लिए आज के लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए बनाए थे। अब बात करते हैं कल के मंडे के लिए कौन से स्टॉक्स बन के आ रहे हैं, मंडे के लिए हम कौन से स्टॉक्स में काम काज कर सकते हैं जो दे सकता है हमें मुनाफा। M&M सेल करना है आपको 570-572 की रेंज में, क्लोज हुआ है आज ये 569.10 के आसपास, 570-572 के आसपास इसको सेल करना है। 576 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 562 और 557 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कॉल लेके आया हूँ मैं वापस से मारुति में, आज जिस भाव में क्लोजिंग हुई है 6971 पे, आप लोगों को अगर 6970-90 के आसपास मिले तो वापस से सेल इनिशिएट करिए, 7056 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 6870 और 6770 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैश के कॉल्स हैं तो आप लोगों को इंट्राडे में पोजीशन को लिक्विडेट करना होता है, जो कोई फ्यूचर में सेल करता है वो होल्ड कर सकता है। तो ये हुई हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की बातचीत। बाकी मैजिकल फिगर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, जो मंडे की ऑप्शंस की रणनीति की जो वीडियो अपलोड होती है उसमें आप लोगों को अपडेट कर दिए जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो वो छोटी सी एक लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी लेवल्स जान सकें और मेरी बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सकें मुनाफा। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप चाहें तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।